भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत तहसील डी के बरौली चैत साथ मोहल्ला के कोरोना पीड़ितों के आश्रितों को निवास पर पहुंचकर सहायता राशि की स्वीकृति आदेश प्रदान किए। जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि डी के ग्राम बरौली चैत निवासी मानसिंह की 14 मई 2021 को कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती नवाब कौर एवं साध मोहल्ला निवासी तुलाराम की 7 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती प्रेमवती को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत कोरोना बीमारी से मृतकों की आश्रित विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति महिला की दर से एक मुश्त सहायता राशि एवं 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन राशि की स्वीकृति आदेश उनके निवास स्थान पर जाकर प्रदान किए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी डी हेमंत कुमार मौजूद रहे। वो हटा लो मास्क। क्या हुआ, मतलब पता कैसे चला था, टेस्ट कराया था? नहीं, गए अपन पर आया है। और फिर आरजीएन लेके गए थे भरतपुर? भरतपुर लेके गए थे? नहीं, अलवा लगे, अलवा से जयपुर ले गए थे। मारे से तो कोई आई भी नहीं थी, पता पर हम अभी लाला सब इधर ही है, आपके बच्चे पुत्र सब यहीं पे रहते हैं आपके साथ? नहीं, क्या पर करते हैं? नहीं पूरे भरतपुर में जितनी डेथ हुई है उसका हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो कोरोना सहायता योजना में जो बेनिफिट दिया गया है एक्स प्रेशिया और मंथली पेंशन का, और यदि अगर कोई बच्चे अगर अनाथ हैं या बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं तो उनको मंथली पेमेंट दिया जाएगा, तो उसकी हमने सैंक्शंस निकाली। आज मैं डीक में माननीय तुलाराम जी के यहाँ पे जो कमी हुई उनके बीवी को मैंने अभी उनका सैंक्शन ऑर्डर दिया है। पैसा जो है उनके खाते में सीधा जाएगा, हमने सैंक्शन ऑर्डर।